चलिए घर चलते हैं। जुनेजा के साथ मीटिंग कंप्लीट होने के बाद सारी डिटेल्स मुझे फैक्स कर देना। अरे एक सेकंड, गाड़ी घुमाइए ऑफिस की तरफ वापस। वो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट फैक्स करना था, घर पे तो फैक्स मशीन है ही नहीं। जी मैडम। नहीं कुछ नहीं, आप ऑफिस की तरफ वापस चलिए, ऑफिस जाना है। गाड़ी जी मैम। आज मुझे खुशी की माई से बात करनी पड़ेगी। आई हैव टू टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज उनसे बात करके ही रहूंगा यार, बस इनफ, बहुत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? आई ओके? हाय हाय प्राची। पायल। पायल सिर्फ इसको निहारती रहेगी या फिर इसको उठा के समेटेगी भी सब। अच्छा सुन, ये जो फूल है ना, इन सब पे पानी छिड़कना ताकि ये मुरझाए ना। सुबह पहले यही फूल बिक्री करके आना, समझी? चल फटाफट खत्म कर। हेलो, कहाँ है रे तू? इतने दिन हो गए घर पे नहीं आया। अच्छा सुन, मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, कोई आया है ग्राहक ही समझ ले। चल रखती है मैं। हाँ नमस्ते। क्या है, क्यों आए हो, क्या चाहिए? आप वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, मुझसे बात करो। मैं आपसे ही बात करना चाहता था पर आप बहुत बिजी थी तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। क्या बात करनी है? देखिए वैसे तो मेरा कोई हक नहीं है इस बारे में बात करने का। और आज मैंने आपको बताया था कि आप कितनी खुश नसीब है कि खुशी आपके साथ है, तो इसीलिए मैं इसकी हाँ, क्या इसका? खुशी की जो पढ़ाई लिखाई है, जो एजुकेशन है, जो भी सब कुछ खर्चा होगा ना, वो सब मैं उठाना चाहता हूँ। आप सच में इसकी पढ़ाई करवाओगे? आप सच बोल रहे हो? जी। आप तो देवता इंसान है, आप जैसे देवता आजकल मिलते कहाँ हैं? आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा, इस बच्ची के बारे में इतना सोचा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी साहब। नहीं, नहीं, बहुत नहीं, बहुत, नहीं, बहुत मेहरबानी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि खुशी अच्छे से पढ़ लिख ले, कोई बहुत अच्छा काम करे, आपको भी प्राउड फील कराए और हमें भी। मतलब मैं चाहता हूँ वो बहुत बड़ी इंसान बने। And thank you so much, आपने मेरी बात मान ली कितनी आसानी से। Thanks। माना मेरी जूती।